हमारी सबसे पहले पीएम जीएसवाई में ये छुड़ुंग 0.2 मंगोटा 11 किलोमीटर रोड जो बनी थी, सबसे पहले पीएमजीएस में यही आई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तो सबसे पहले बेड ही नहीं बनाया गया, फिर नाली नहीं निकाली गई, फिर जब लुक डाली तो किसी ने पास ही नहीं, व्हीकल गाड़ी जो है वो नहीं पास करनी तो कर सकती, तो बड़ी का नाम ही नहीं है। ठेकेदार ने जई को 10 लाख रुपए की गाड़ी की चाबी पकड़ाई तो उसने ये इसका सिर मुँह काला करके भाग गया। अब ये किस कारण से पास नहीं हुई तो फिर कहने लगे इसका दोबारा भी ला चुका है, हम ये पास करेंगे। तो ये 11 किलोमीटर रोड थी, उस पर ये छोटी सी ये हालत है, यहाँ देख लो नीचे ये हालत है। वो सुसर डालकर आप जा रहे थे तो कल शाम को हमारे सरपंच साहब आ गए और मैं आ गया, तो हमने ये काम बंद करवाया। आज इसलिए प्रोटेस्ट की जाती है, ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं इसीलिए कि हमारी तो ये हमारी रोड की हालत है। तो वो हमारे सरपंच साहब कल हमने बुलाया तो यहाँ आ गए, दीगर लोग आ गए, तो उन्होंने हमने ये क्या किया इस काम को बंद कराया। आगे गाड़ी निकलती है टायर के साथ उसकी वो लुक जो है वो लपेटी हुई जाती है, एक आधा इंच भी नहीं है, जहाँ खड्डे पड़े हैं वहाँ ही पड़े हैं। सरासर वो नाजायज हमारे साथ कर रहे हैं, कोई भी हमारे साथ कोई हमें रिस्पांस नहीं दे रहे हैं कि हम इस रोड को क्लियर करके दें। सबसे पहले ये सबसे पहली पीएमजीएसवाई की रोड है, तो इसमें कितने साल ये इस पर पहले ब्लैक टॉप हुआ ही नहीं इस पर। फिर उसके बाद जब ब्लैक टॉप हुआ तो इन्होंने सर्दियों में ब्लैक टॉप हुआ, कोई लुक भी ब्लीडिंग जो है नहीं हुई, सर्दी जैसे कोहरा पड़ने लगा ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ये आपने रोड की हालत देखी, आप ही नहीं आए हैं थाना मंडी से आए हैं, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है इस रोड की, जहाँ पसियाँ पड़ी हुई हैं कोई वहाँ से रोड से पसियाँ हटा नहीं रहा है, मलबा वैसे ही पड़ा है। और जब ये ब्लैक टॉप की बात आई
इसमें एक पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट से हमने अप्रोच की और उस अप्रोच में पीएमजीएसवाई के जो हमारे एक्सीन है उन्होंने 22/6/2021 को एक लेटर निकाला कि हम इसको जल्दी जो है इसका काम हम कंप्लीट देंगे, इस पर ब्लैक टॉप करेंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ उनके कान तक जो नहीं रहेंगे कि हम आए इस रोड को देखें या इसकी नाली बनाएं या कुछ करें, कोई नहीं आया। अपने जई साहब आए यहाँ, उन्होंने देखा और आके जब देखने के जब उन्होंने कहा कि जो हमारी रोड जहाँ पे ये मेटलिंग डली हुई है उसके ऊपर हम डालेंगे ये, इसको क्या पता नहीं क्या बोलते हैं ये, इसको हम अपनी जबान में सीलिंग कोल जो बोलते हैं वही डाल रहे हैं, इसमें कोई नीचे उस पर जो वो डाली जाती है लुक डाली जाती है कुछ नहीं डाल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब जहाँ ये जो रोड उखाड़ी हुई है जब हम करेंगे नीचे कंकरा डालेंगे, कंकरे के ऊपर लुक डालेंगे, उसके ऊपर ये सीलिंग कोट करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, खाली सीलिंग कोट पता नहीं कहाँ से बची हुई है, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, फेंक के तो ये करके चले गए। कल जब मैंने देखा आके यहाँ तो खाली यही डाल रहे थे, कोई खड्डा जो नहीं भर रहे थे जो ये पीछे इन्होंने डाली है। इसमें भी ऐसे दलदल है कि बात मत पूछो, जैसे बारिश पीछे बारिश वहाँ जितनी बारिश हुई है उसे रोड खत्म हो गई है हमारी। और हमारी यही हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हमारे हैं वो अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जनाब हमारी हमारी रोड की नजरसानी की जाए और हम लोगों की गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं यहाँ, इन लोगों की आमदोरफ्त के लिए इस रोड को जल्द बाद जल्द रिपेयर किया जाए। और बोलो ना थोड़ा चुनाव।